आइए सब बाइबल खोलिए मेरे साथ। सब लाए हैं द बुक द गॉस्पल ऑफ ल्यूक चैप्टर 10। हम 10वां अध्याय खोलेंगे। आई एम सॉरी 10 नहीं 11 चैप्टर। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं या तो भाई दिनेश जोर से पढ़ेंगे 11 अध्याय का, बदल नो प्रॉब्लम, आप लाउडली पढ़िए 11-12 11 का 12 ओके थैंक यू ब्रदर। मैं तीन गिनने वाला हूं, हम में से हर कोई अपनी अपनी बाइबल में इसे लाउडली पढ़ेगा 1-2-3। ओके मैं चाहता हूं अब आप सब यहां देखिए, आगे ध्यान दीजिए स्ट्रेट बैठ के। मैं आपसे विनती करता हूं, आप इस वचन को शुरुआत से पहले ही मैं बोल देना चाहता हूं, ये वर्ड मुझे नहीं पता है कि मैं इस चर्च के अंदर फिर कब प्रीच करूंगा, लेकिन आज मुझे परमेश्वर ने इस वर्ड को प्रीच करने के लिए कहा है। और मैं आपको विनती करता हूं कि कोई भी व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट ना हो। अगर आप सेवक हैं, अगर आप सेवकाई करते हैं, भाई आज जो प्रचार होगा ना उसके बगैर तेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ब्रदर विलियम बूथ को जानते हैं, सल्वेशन आर्मी के फाउंडर। विलियम बूथ ने एक बार कहा, अगर पवित्र आत्मा कलीसिया से उठा लिया जाए तो कलीसिया की हालत क्या होगी। कुछ ने कहा हम में दुष्ट आत्माएं घुस जाएंगी, किसने कहा हम वापस अपने ओल्ड रस्तों पे चले जाएंगे, किसी ने तो कहा हम में और डीमंस में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन सब लोग जब अपना अपना ओपिनियन अपना अपना व्यू दे चुके, तब विलियम बूथ ने एक ऐसी बात कही जो हैरान करने वाली थी। विलियम बूथ ने कहा पवित्र आत्मा अगर एक कलीसिया के अंदर से निकल जाए, विश्वासियों के अंदर से, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये चलेगा। तब उसकी इस लाइन ने कलीसिया के लोगों को बहुत भड़का दिया। आप जानते होंगे ना जीसस की पहली प्रीचिंग जो नासरत में हुई थी, लोगों ने वो बंद करवाई थी बीच में और उसको उठा के वहां से नीचे फेंकने वाले थे। कभी कभी कुछ ऐसे प्रचार होते हैं कि लोग बीच में बंद करवा देते हैं। तब उन्होंने जब लोग उनको ऐसे पकड़ने के लिए आए कि बंद करो आप हैरेसी प्रीच कर रहे हो, तो उन्होंने कहा मैंने पूरा नहीं किया, मुझे पूरा करने दो। तब उन्होंने अंत में कहा पवित्र आत्मा अगर हमसे ले लिया जाए तो हमें कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हम पवित्र आत्मा पे आजकल निर्भर ही कहां है। आज की चर्च जो है ना निर्भर है इमोशंस, म्यूजिक, मनी और साइकोलॉजी प्रीचिंग। मैं एक बार अंधेरी में ही था, एक मीटिंग थी, तो मैं और एक लड़का दोनों स्पीकर थे, तो उन्होंने मुझे कहा पहले आप करोगे कि मैं करूं, तो मैंने कहा आप करो पहले। तो उन्होंने प्रीच किया, तो साइकोलॉजी प्रीचिंग होती है ना, जैसे कि मैं देख रहा था वो उस टाइप का प्रीचर था। जैसे मीटिंग पूरी हुई और मीटिंग के बाद उन्होंने कहा मैं देख रहा हूं यहां कोई है उसको पेट में दर्द है। अब 500 लोग हैं, एक को नहीं होगा। तो मैंने खड़े होकर बोला यस भाई उसका नाम भी बताएंगे। आपको लगता है जीसस ऐसे करता था? यीशु खड़ा हो गया यरियो के यहां पर, इधर कोई है पेड़ पे बैठा हुआ है, अरे 100 लोग बैठे हुए हैं कौन है। यीशु ने ऐसा नहीं कहा, यीशु ने कहा जकई नीचे उतर, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है। सो ये जो
आजकल साइकोलॉजिक प्रीचिंग है, बहुत सारी जगहों पे पवित्र आत्मा की जगह इन इन बातों ने ले ली है। आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा पे निर्भर ही नहीं है। आप जानते हो क्यों निर्भर नहीं है? क्योंकि उसके विषय का ज्ञान ही नहीं है। उन्हें लगता है पवित्र आत्मा एक कबूतर की तरह है, जो यीशु पे उतरा वो बस वही था। इवन मैं आपको बताऊं, एक नए पाखंड का उद्घाटन हुआ है इन दिनों में, नई हिपोक्रेसी आई है, रिबन काटी गई है रिसेंटली। एक बंदे ने कहा वरदान पहली सेंचुरी में दिए गए थे लोगों को, अब नहीं मिलते। मैं प्रभु को कहा अच्छा हुआ ये दूर रहता है, मेरे घर के बाजू में रहता तो मैं चला जाता घर पे ही और मैं बोलता प्रूव इट। इब्रानियों में लिखा गया है परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटने के द्वारा हमेशा अपनी गवाही दी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो यीशु 2021 साल पहले इज़राइल में काम कर रहा था, वो सेम यीशु आज 2021 में भारत में भी काम कर रहा है। ये कभी इन बातों पे बिलीव ना करें। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस वर्ड को स्टार्ट करने से पहले, क्या आप पवित्र आत्मा से कुछ सहायता मांगते हैं? आप जानते हैं हवा और पवित्र आत्मा का नाम सेम है बाइबल में। प्रभु ने आदम को एक सहायक दिया और यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। आप इससे कितने लोगों के बात जानते हैं? आदम की बीवी और पवित्र आत्मा का, दोनों का नाम एक ही है। Have you noticed? कितने लोगों ने जाना? आप जानते हैं, प्लीज चीजों को थोड़ा क्लियर और राइट स्पिरिट में लेना। आप जानते हैं जब पति पत्नी फिजिकल होते हैं तो बच्चा होता है। फिजिकल होने को पता है हिंदी में क्या कहा गया है? वहां लिखा गया है आदम ने हवा को जाना। फिजिकली होने को यह कहा गया है हिंदी में, आदम ने हवा को जाना और उनसे एक बच्चा उत्पन्न हुआ। जाना वर्ड है। एक पति पत्नी को एक बच्चा उत्पन्न करने के लिए कितना करीब आना पड़ता है। यीशु ने कहा अनंत जीवन यह है कि तुम परमेश्वर को जानो। वो फिजिकली करीब हुए थे, हमें स्पिरिचुअली करीब आने के लिए कहा गया। क्या हम उतने करीब हैं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं क्यों आपको स्टार्टिंग में ये सारी बातें बताता हूं? क्योंकि मैं जानता हूं आज जो मैं प्रीच करने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास बहुत से संदेश होते हैं, ये मुझे अनुग्रह मिला है प्रभु का, लेकिन मैं फिर भी मैं सोचता हूं प्रभु उत्तम से उत्तम मिलना चाहिए। आमीन। अब ध्यान दीजिए यहां पर सभी, कौन है पवित्र आत्मा, उसका क्या काम है एक विश्वासी के जीवन में? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। कहां लिखा है ब्रदर? पतरस, सॉरी, प्रेरितों तो के काम में लिखा है। जब हनन्याह और सफीरा ने पतरस से मुलाकात की तो पहले उन्होंने कहा तुम लोग परमेश्वर से क्यों झूठ बोल रहे हो, लेकिन सेकंड टाइम जब वाइफ ने झूठ बोला तब पतरस ने कहा तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हो। सबसे पहले जानो कि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है, वो आपके अंदर रहता है। और क्यों पुराने नियम के किसी व्यक्ति को वो नहीं मिला, नए नियम में हमें क्यों मिला? मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर यहां पर शिट पड़ी हुई है, टॉयलेट पड़ा हुआ है, मैं आपको सच कहता हूं मैं प्रीच नहीं कर पाऊंगा। मैं सबसे पहले यहां के इंचार्ज को बोलूंगा सर ये क्लीन करवाओ, उसके बाद आई विल प्रीच। आप जानते हैं पुराने जमाने में जितने भी हृदय थे लोगों के, सबके अशुद्ध थे, परमेश्वर वहां नहीं बैठ सकता। लेकिन क्यों पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा? क्योंकि पेंटिकॉस्ट के पहले ब्लड बहा, यीशु ने अपना खून बहाया, विश्वासी के हृदय को साफ किया, इस कारण आज वो हम में वास करता है।
परमेश्वर ने सबसे पहले एक मनुष्य का शुद्धिकरण किया। आज जब मैं ये बिलीव करता हूं कि यीशु मेरा खुदा है, उसके लहू से मैं धोया गया हूं, तब पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करना शुरू करता है, क्योंकि अब उसे सफाई मिली है। बहुत लोगों से पूछता हूं, भाई पवित्र आत्मा क्या है? मैं अन्य भाषाओं में बोलता हूं, नहीं ब्रदर, पवित्र आत्मा कौन है? याद रखिए, उसका नाम पवित्र आत्मा इसलिए है क्योंकि उसका पहला काम एक विश्वासी को पवित्र करना है। वो सब बात में देता है, पर सबसे पहले वो आपके विचारों का जीवन, बात करना, आपका उठना बैठना। अरे मैं आपको क्या बताऊं, मुझे वो कई बार ऐसे बैठना अलाउ नहीं करता कि मेरे सामने कोई बुड्ढा व्यक्ति बैठा है और मैं उसको ऐसे बोलूं, और अंकल कैसा है? आपको पता है, एक दिन मैंने किसी से ऐसे बात की थी, ऐसे ऐसे टांग चढ़ा के, और मैंने एक बुड्ढे अंकल थे, और अंकल कैसे हो? मैं अंदर से अशांत हो गया। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप उससे बात करो, और मैं अपना फोन यूज कर रहा हूं और आप बात भी कर रहे हो और मैं ध्यान भी नहीं दे रहा हूं, मैं इससे भी अशांत हो जाता हूं कि जब कोई बात कर रहा था तो तू उसको इज्जत क्यों नहीं दे रहा है? मुझे आज भी याद है, एक जवान भिखारी को मैंने भाषण दिया था, एक यंग लड़का था, भीख मांग रहा था, तो मैंने उसको बोला, यार तू इतना बड़ा यार कमाना जाके क्या ये सब करता रहता है? आपको पता है मेरे शांति चली गई। अरे ये तो छोड़ो, एक लड़की को मैंने दूसरी बार जब देखा मेरे शांति आ गई। सोचो कितना उसका ध्यान है आपके जीवन पर। ट्रस्ट में, कुछ दिन पहले की बात है, मेरे घर में मेरे पिताजी मुझसे बात कर रहे थे और वो मुझे कुछ समझा रहे थे, तो मुझे एक मैसेज आया, तो मैंने वो मैसेज खड़ करके दो तीन पढ़ा, और मैं डैडी को भी ऐसा दिखा रहा था, हाँ मैं आपको भी सुन रहा हूं। मेरे डैडी जैसे मुझसे अलग हुए, अपने कमरे में चले गए। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, ये ठीक नहीं था, ये ठीक बात नहीं है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहां है आप लोग? बस रविवार को चर्च जाना है, आधा घंटा प्रेयर करनी है, वो भाई प्रेमानी आता है अंधेरी में, उसको सुनने जाना है। आइए प्लीज अब आगे बढ़े। आज का संदेश आप बिलीव करेंगे अब तक भी चालू नहीं किया, अब चालू करना है ताकि आप समझ पाओ। आइए सब यहां ध्यान दें। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया है, लेकिन हमारे कलीसिया के हर व्यक्ति को यह बात पता है जो मैं बोलने वाला हूं, क्योंकि इनको मैंने बहुत बार समझाई है ये बात। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, मरने से एक हफ्ता पहले प्रभु यीशु मसीह ने मोस्ट ऑफ टाइम एक ही विषय पे बात की थी, पवित्र आत्मा। आप जानते हैं? अगर आपको यह जानना है कि यीशु ने अपना आखिरी हफ्ता कैसे निभाया, दीदी आप उसको कंट्रोल करो या थोड़ा घुमा के लेकर आओ। यीशु ने अपना आखिरी हफ्ता कैसे स्पेंड किया था, मैं आपको बताना चाहता हूं। अब आराम से घर जाके होमवर्क करना, यूहन्ना का 14 से लेके 19 अध्याय तक, आपको पता चलेगा कि यीशु ने अपने जीवन का आखिरी हफ्ता कैसे बिताया था। 14, 15, 16 आपको कंटिन्यू उसमें यही मिलेगा कि जीसस टॉक्स अबाउट होली स्पिरिट, उसने पवित्र आत्मा के विषय में बातें की। अच्छा क्यों उसने पहले बात नहीं की, अपने जाने के एक हफ्ता पहले क्यों बात की? ये एक बहुत बड़ा सवाल था मेरे लिए, क्योंकि मैंने यीशु के भीतरी स्टार्टिंग के डेज में उसको चमत्कार करते देखा, चमत्कारों के बाद उसे दृष्टांत प्रचार करते हुए देखा, दृष्टांतों के बाद मैंने देखा कि वो तरह तरह की बातें करता था, लेकिन जब मैंने देखा कि प्रभु जानता था कि बहुत जल्द मैं अरेस्ट होऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, उससे पहले उसने एक हफ्ता पहले कंटिन्यू उसने पवित्र आत्मा के बारे में बात की। क्यों? क्योंकि वो जानता था यही अब मेरी जगह लेगा। जब यहोवा परमेश्वर ऊपर नीचे नीचे ऊपर उतरता था पुराने नियम में, जब एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर आना बंद हो गया, तब यीशु आया, और जब यीशु आया तो उसने अपना काम पूरा करके वो चला गया और पिता के दाहिनी ओर बैठ गया। और आप जानते हैं अब कौन है?
पवित्र आत्मा। और जानते हो वो जाने से पहले क्या कहता है, मैं जा रहा हूं और मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें पवित्र आत्मा दे। और उसके बाद यीशु कहता है तुमने उसे देखा भी है और तुम उसे जानते भी हो। प्रभु उन्होंने कब देखा, उन्होंने कब जाना? यीशु उनको यह कह रहा था, मुझे देखा? हां, मेरी तरह ही है, एग्जैक्टली लाइक मी, अ जेंटल पर्सन। वो बिल्कुल वैसा ही है। बाइबल मुकद्दस बताती है एक समय था जब पुराने नियम के अंदर एलिया की सेवकाई एलीशा को मिली थी। आप, आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, एलिया की सेवकाई एलीशा को मिली थी, क्योंकि एलिया एक औरत से डर गया था। उसने उसको धमकी दी और विचक्राफ्ट किया था। His name was Jezebel, हाँ, Jezebel हिंदी में। उस औरत ने उसको धमकी दी थी कि मैं तुझे मारूंगी, और लिखा है एलिया भागा, और एलिया ने अपने प्राण खुदावन के सामने उंडेल दिए कि मुझे मार दे, मुझे खत्म कर, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, इरिटेट हो गया था। वो एक पेड़ था, उसके नीचे से सुसाइड के लिए प्रेयर की थी, जूनिफर ट्री कुछ नाम लिखा गया। अब जानते हो वचन क्या कहता है, जब परमेश्वर ने देखा कि एलिया जो था वो डर गया है, प्रभु ने ये समझाया उसको, अपनी सेवकाई एलिशा को दो। लिसन, यहां पर देखिए, डरपोकों का कलीसिया में स्वागत होता है, पुलपिट पे नहीं। आप डरपोक हो ना, परमेश्वर कहेगा कलीसिया में आ जा, इधर कोई स्वागत नहीं है उनका। परमेश्वर डरपोक लोगों का इस्तेमाल नहीं करता, वो उन्हें कहता है आओ सीखो, लर्न करो, टीच हो जाओ, निकलो वहां से। लेकिन यहां पर जानते हो कौन से लोग चाहिए, जो कम से कम वीर हो। वो लोग नहीं चाहिए खुदा को जो दो धमकियां सुन के किसी से डरे, बिल्कुल भी नहीं। यीशु ने उतनी बार ये नहीं कहा कि पाप मत करो, जिसके बाद उसने ये कहा डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, फियर नॉट। कई बार वो लोगों को कहता रहा डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। अगर आप खुद डरपोक हैं तो मुझे बताइए आप कैसे डर के ऊपर दूसरों को सिखाएंगे। जब परमेश्वर ने देखा कि एलिया डर गया, तब परमेश्वर ने उसकी सेवकाई एलिशा को दे दी, और एलिशा ने वो मिनिस्ट्री कंटिन्यू की। और एलिशा की सेवकाई के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो एक ऐसे अद्भुत परिवार से मिला जिसको पढ़ के मैं बहुत आशीषित हुआ। एक ऐसी बहन से वो मिला जो विडो थी, पर उसका पति बेचारा बहुत अच्छा था जब वो जीवित था, लेकिन वो मरते मरते अपने परिवार को एक बहुत बड़ी तकलीफ में डाल के गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बंदे के ऊपर बड़ा कर्जा था, पर ये व्यक्ति बगैर कर्जा चुकाए मर गया था। और कर्ज के जो लोग थे जिनको देना था, वो इस औरत को आके परेशान करते थे। अब इसके पास कोई नहीं है, लेकिन ये उस बंदे को जानती थी जिसके साथ इसका पति घूमता था, एलिशा। और एलिशा के पास आके वो कहती है, मेरा पति जिसको तू जानता है वो परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति था। बोलिए भय रखने वाला। चलिए 5 मिनट उस पर बात करेंगे, फियर ऑफ गॉड। आप जानते हैं, मैं किसी को नीचे नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं। एक बार छत्तीसगढ़ में था, तो वहां पर एक बहुत ही आदरणीय पास्टर जी एक प्रचार कर रहे थे, और उनका विषय था विश्वास। तो उन्होंने जो विश्वास के बारे में सिखाने के लिए जो पैसेज चूज किया वो था उत्पत्ति का 22वां अध्याय। आप मत पढ़िए, बाद में पढ़ लेना। उन्होंने कहा परमेश्वर परख रहा था इब्राहिम को कि वो अपना बेटा देगा कि नहीं देगा। और मैं देख रहा था सारी पब्लिक इस प्रचार के ऊपर तालियां बजा रही थी, एक अकेला मैं ही बंदा था जो मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। मैं चुपचाप से बैठा हुआ था, क्योंकि वो मैंने पैसेज इतनी बार पढ़ लिया था कि मेरे से छपा हुआ था वो। और जब प्रचार पूरा हो गया और वो पास्टर और मेरा साथ में लंच लगा, मुझे कहा मुझे आपका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा।
मैंने कहा मैंने क्या किया? बोला सब ताली बजा रहे थे, एक आप ही थे जिसको देख के मैं डिसअपॉइंटेड हुआ, आपको मुझसे जलन हो रही है? मैंने कहा ब्रदर आई लव यू, लेकिन मैं गलत प्रीचिंग पे क्यों ताली बजाऊं? ऐसा ईगो बाहर आया उस आदमी का, ऐसा कैसे बोल दिया? बुलाओ ऑर्गेनाइजर को, मैं जा रहा हूं। मैंने कहा सर थोड़े हम्बिल होते ना तो पूछते मुझसे कैसा क्या बोल दिया। मैंने कहा क्या प्रीच किया आपने? बोला उत्पत्ति 22 अध्याय। बोला खोलो। मैंने कहा मुझे पूरे पैसेज में बताओ कहां विश्वास के लिए लिखा। इब्राहिम अपने बेटे को बलिदान करने गया और जैसे वो अपने बच्चे को खंजर मारने पर ही था, जानते हो वहां पर क्या लिखा है? तब ऊपर से आवाज आई, इब्राहिम इस लड़के को छूना मत, क्योंकि मैं जान गया हूं तू मेरा भय मानता है। इट्स फियर। परमेश्वर ने इब्राहिम के विश्वास की परीक्षा नहीं की थी, परमेश्वर ये जानना चाहता था कि आप उसका भय मानते हो कि नहीं। भाई मेरे सामने बार बार लड़कियों का लड़कियां आती हैं, अरे खुदा को पता कैसे चलेगा तू भय मानता है कि नहीं? भैया मेरे लाइफ में बहुत सारी औरतें हैं यहां वहां की बातें करती हैं, क्यों मेरे साथ ही क्यों? प्रभु आपके पास जानते हो क्यों बेचता है? ताकि प्रभु आपको परखता है कि आप भय रखते हो कि नहीं। परमेश्वर कई बार आपके जीवन में ऐसी बातें लेके आएगा और वो उनको नहीं देखेगा, आपको देखेगा कि आप क्या कर रहे हो। दाऊद कहता है जब तक दुष्ट मेरे सामने है, हे प्रभु मुझे अपने मुंह पे चौकसी करना सिखा। याद रखिएगा जितने भी लोग यहां बैठे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में एक बात तो जरूर ऐसी सिचुएशन लाएगा जहां पर आपको बड़े मजे मिलेंगे और परमेश्वर देखेगा कि आप क्या कर रहे हो। मुझे लव है इस लेसन से जो यूसुफ ने पोतीपर की पत्नी से कहा, जब उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा चल कोई नहीं है घर पे चल, और जानते हो उसने क्या कहा? उसने ये नहीं कहा तू मैरिड है तू दिखती अच्छी नहीं है, उसने ये सब बातें नहीं कही। उसने कहा क्या मैं प्रभु की दृष्टि में ये करूं? यू नो यूसुफ हर जगह पे पाप करने से क्यों बचा? क्योंकि उसे एक बात पता थी खुदा देख रहा है। आपको पता है आज के जवानों को सबसे ज्यादा क्या सीखने की जरूरत है? थियोलॉजी नहीं, खुदा देख रहा है। द लॉर्ड इज वॉचिंग यू। बुद्धिमान बन रहा था मूसा, हत्या करके उसको छुपा दिया, न दाएं देखा न बाएं देखा। मैं वहां पर होता तो मैं मूसा को बोलता सर दाएं बाएं देख लिया, ऊपर भी देख लो। एक ने तो तुमको देख लिया है। और आप जानते हो जब आप दाएं बाएं देखते हो कि किसने देखा तो नहीं, आपको लगता है मैं कोई नहीं है जो मुझे पकड़ पाया। ब्रदर एक व्यक्ति ने आपको ऑलरेडी पकड़ लिया है, शैतान ने। यू आर ऑलरेडी कॉट, आप ऑलरेडी पकड़ चुके हो। ये मायने ही नहीं रखता कि अब आप आदमी पकड़े, लेकिन जब आप ये देखते हो ना किसने देखा तो नहीं, एक्चुअली करवाया किसने? शैतान ने। तो ऑलरेडी आप तो उसके हाथ में आ गए। परमेश्वर ने, और जब मैंने उनसे ये बातें कही उन सर से, इतने ईमानदार पास्टर हैं वो बेचारे, अप्रिशिएट करता हूं मैं। वो नीचे गए, ऑर्गेनाइजर को बोल के आए वो वीडियो जो मैंने अभी प्रीच किया उसे अपलोड मत करना, वो गलत टीचिंग है। वाह, कोई और होता तो मुझे मार मार के निकालता, लेकिन ऐसे भी लोग हैं, ऑनेस्ट लोग, ईमानदार लोग। आप जानते हैं पॉल ने एक व्यक्ति को बहुत सुनाया था मुंह पे, हे चुन्ना फिरी हुई कब्र, याद है आपको? कितनों के बाद जानते हैं कि पॉलुस ने मसीह में आने के बाद भी मन्नतें मानी थी और बाल कटवाए थे? पढ़ा है आपने? एक्स ऑफ द अपोस्टल में बाइबल बताती है उसने मुंडन करवाया। वो कहता है मैंने मन्नत मानी थी। आपको पता है उसने तीमुथियुस का खतना करवाया है? ये कौन लिख रहा है? लूका। प्रेरितों के काम का लेखक कौन है? लूका, डॉक्टर, वैद। किसने किस क्यों लिखा? आप जानते हो पॉल ने उसे क्या कहा? सिर्फ ये मत लिखना कि मेरे हाथ से बीमार चंगे हुए हैं,
दुष्ट आत्माएं निकली हैं, ये भी लिख मैंने गलतियां की हैं। किसी ने मुझे कहा, ब्रदर बाइबल परमेश्वर का वचन है, क्या इसका सबूत है? मैंने कहा, एक चीज, बाइबल इसमें लोगों की गलतियां बताती है। ये वो किताब नहीं है जिसमें सिर्फ लोगों की अच्छी बातें बताई गई हैं। इसने ये खिलाया, उसने वो खिलाया, उसने दाल चावल खिलाया। नहीं 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 नहीं, यहां वो लिखा है जो सच है। और कुछ लोग कहते हैं, ये कोई किताब है तुम्हारी? एक आदमी ने मुझे कहा, ये तो कोई घटिया किताब है, वो देखो लूत क्या कर रहा है अपनी बच्चियों के साथ। मैंने कहा, ब्रदर लिसन, बाइबल उसे बढ़ावा नहीं देती, इट्स रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड है। आतंकवादी हमले होते हैं, लोग मारे जाते हैं, न्यूज़पेपर में आता है, तो क्या वो हमको ये कहते हैं ये भी करो? वो हमें खबर देते हैं कि ऐसा हुआ है। बाइबल हमें रिकॉर्ड करती है कि देखो ऐसा हुआ था। पौलुस कहता है, ये बातें इसलिए लिखी गई हैं ताकि हम न करें। बहुत लोग कहते हो, अरे बाइबल में ये 1000 शादियां की थी इसने, इसने देखो इतनी शादियां की। बाइबल नहीं कहती है कि तुम भी करो, बाइबल कहती है ऐसा हुआ था, ये रिकॉर्ड है। कितनों के बाद जानते हैं, मुर्दों में से जी उठने के बाद चेले यीशु को देख के बिलीव नहीं कर रहे। तो परमेश्वर कहता ना, नहीं नहीं नहीं, ये बात छोड़ देता हूं, ये मत लिखूंगा। गॉड इज ऑनेस्ट, हमारा प्रभु एक ईमानदार प्रभु है। इसलिए यूहन्ना कहता है, जैसा वह ज्योति में है वैसे तुम भी ज्योति में चलो, तो उसके पुत्र यीशु का लहू तुम्हें साफ करता है। यू नो, ब्लड हमेशा ऑनेस्टी को फॉलो करता है। कैसे चुंबक जो होता है लोहे को अपने पीछे पीछे ले आता है। आपको पता है, हमेशा याद रखो, लहू विश्वास योग्यता में नहीं, ईमानदारी में काम करता है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, गुस्सा करने के बाद आप प्रभु को ये नहीं बोलते हो, इन्होंने गुस्सा दिलाया, पर आप ये कहते हो, प्रभु मैं घमंडी हूं, आई एम अ मैन विथ प्राइड, मुझे माफ कर। लड़कियां गलत कपड़े पहनती हैं, मेरा ध्यान जाता है। अच्छा, वेरी नाइस। कश्मीर में जो हुआ था, वो लड़की जींस पहनती थी कठुआ में, मरने के बाद भी रेप किया लोगों ने उसके साथ, अशिफा जींस पहनती थी वो बच्ची। अरे, दूसरों पे ब्लेम करने से पहले हम अपनी आंखों को देखें, हम कहां देख रहे हैं। कई लोगों को लगता है, ब्रदर जीसस वाज़ अ सन ऑफ गॉड, यीशु खुदा का बेटा था, वो पवित्र था, हम कैसे हो सकते हैं? आपको पता है, जीसस जिस सिटी में रहता था वहां क्या होता था? सारा दिन वहां वैश्यावर्ती होती थी, गंदे काम होते थे। इवन जब वो वहां से निकला, जानते हो नतनेल क्या कहता है, नासरत से कोई अच्छी वस्तु कैसे निकल सकती है? हमारा खुदा ऐसी जगहों पे नहीं रहा जहां पर जंगलों में जाके कपड़े उतार के बैठ गया। अरे, उधर कौन आएगा, शहर में रहके पवित्र होके दिखा। वो नासरत में रहा क्योंकि ये भविष्यवाणी थी कि वो नासरी कहलाएगा। नतनेल कहता है, क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? इट इज पॉसिबल, यस, वो रहा है। कई लोग कहते हैं ना, मेरे ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स है, ये है वो है। सी जीसस, वो रहा और वो निकला वहां से। जब ये बहन, जिसको जिसका पति सब कुछ कर्जा इसके ऊपर छोड़ के गया था, अब ध्यान दीजिए, ये एलिशा के पास जाती है और एलिशा को कहती है, तेरा दास मेरा पति मर चुका है, और तू जानता था कि वो परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति था, और अब हम पर एक तकलीफ आई है, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, ये लोग रोज आके मुझे एक ही बात कहते हैं, पैसा दे या बच्चों को गुलामी में दे। उन दिनों में एक ट्रेडिशन था कि अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो आप उसके प्रति एक व्यक्ति दे दो, जिसको वो 7, 8, 9 साल तक विदाउट एनी पे अपने पास रखते थे। और वो कहती है, ये गुलामी में चले जाएंगे। तब एलिशा उसे ये नहीं कहता, वेट, मैं चंदा इकट्ठा करता हूं। एलिशा उसे एक एक्सट्रीम चीज दिखा देता है। अगर आज आप मेरे पास आओगे, कहोगे भाई पैसे नहीं है चुकाने, तो मैं क्या करूं? मैं बोलूंगा, ठीक है, वेट करो, 2-4 दिन रुको, बंदोबस्त करता हूं, कुछ चंदा इकट्ठा करते हैं आपके लिए, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। लेकिन एलिशा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एलिशा ने उसे एक अलग ही चीज दिखाई। एलिशा ने कहा, क्या तेरे घर में क्या पड़ा हुआ है लास्ट? वो कहती है, थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा ऑयल है। आप जानते हो, कई बार परमेश्वर
सबसे पहले पूछेगा आपके साथ, आपको आपके पास क्या है। हो सकता है आपके पास ऑफरिंग नहीं है, हो सकता है आपके पास टैलेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन आपको पता है एक चीज हम सबके पास है जो हम खुदा को दे सकते, और वो है आपका समय, योर टाइम। आप जानते हो हम वरदानों में बहुत अलग हैं। ये भाई लोग आराधना करते हैं, मैं प्रचार करता हूं, वो भाई प्रीचिंग करता है, वो भाई कलीसिया का प्रबंधक है। हम हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिए हैं, पर आप जानते हो एक चीज ऐसी है जिसमें हम सब इक्वल हैं, खुदा ने हम सबको 24 घंटे दिए। कोई है यहां पर जो कहता है नहीं सूरज भाई आपको 48 मिलता है, सबको 24 मिले हैं। कुछ लोग इन 24 घंटों के साथ सिर्फ व्यर्थ और वेस्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं जो इस समय में, इस समय को लेकर बड़ा खूबसूरत तरीके से सज रहे हैं खुदा के लिए। वो अपनी सुबह शाम उसके साथ जुड़े हुए रहते, लेकिन कुछ लोगों के लाइफ में कोई मायने ही नहीं रखता। आज से बहुत टाइम पहले एक बच्चे को रास्ते पे कुछ पत्थर मिले और स्कूल बैग था उसके पास। उस बच्चे ने वो पत्थर लिए और जब वो घर की तरफ जा रहा था तो उसके घर के और स्कूल के बीच में एक छोटी सी तालाब आता था, लेक आती थी, और वो वहां पर बैठ गया और पत्थरों को पानी में फेंकने लगा। एंड यू नो कभी कभी बहुत सॉफ्ट आवाज आती है, उसको अच्छी लग रही थी आवाज। फेंकता जा रहा था, फेंकता जा रहा था, फेंकता जा रहा था। जब घर पे गया तो उसका इसका इसका बाप इसका हर दिन होमवर्क चेक करता था क्या पढ़ के आया। तब इसके बाप ने जब बैग खोली तो उसने क्या देखा कि एक्चुअली कुछ पत्थर पड़े हैं। जब इसने उठाया तो पत्थर चमक रहे थे और बाद में पता चला कि एक्चुअली इट इज डायमंड्स। तो उसने बच्चे को बोला ये क्या है, कहां से लिया? अरे बहुत मिले थे, सब फेंक दिए। उसने उसको ऐसा कान के नीचे किधर किया, इतने इतने कहां थे, मेरे को क्या पता, मैंने फेंकता क्या। इस कहानी में एक सबसे अद्भुत बात जानते क्या है, समय एक हीरा है, इसे पानी में मत फेंको। टाइम इज अ मनी। मैं भाई सूरज प्रेमानी आपको टेस्ट मनी देता हूं अपनी, मैं अपना एक मिनट वेस्ट नहीं करता, एक मिनट। मेरे टाइम को पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा है लाइफ। आप कभी भी आ जाओ मुझसे मिलो, मैं आपको कभी भी ऐसे ही फालतू बातें या तो कुछ काम धंधा नहीं है इधर उधर जाके बैठ जाओ, आपको कभी नहीं मिलूंगा। मुझे एक लक्ष्य है, मुझे एक गोल है, और परमेश्वर जानता है उस गोल और उसके बीच में मैंने अपने लाइफ में किसे नहीं आने दिया, जो आया उसको हटाया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप जानते हो जब एलिशा ने उससे पूछा तेरे पास क्या है, वो कहती है, इवन आपको पता है जीसस भी लोगों से सेम क्वेश्चन पूछता था, तेरे पास क्या है प्रभु, हमारे पास 200 दिनार है लेकिन कहां पड़ेगा इनके लिए पूरा। हमेशा यीशु मसीह ये देखता था कि तुम लोग के पास क्या है, उसको ही ब्लेस करता था, मल्टीप्लाई करता था। अब जानते हो वचन क्या कहता है, द बाइबल सेस कि जब एलिशा ने उससे कहा तेरे पास क्या है, तो बोलती है आई हैव ऑयल, थोड़ा सा ऑयल है। एलिशा कहता है काम कर, ऑयल निकाल, सब बर्तन जितने भी है थोड़ा 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 स्प्रिंक करती जा, सब पे डालती जा, और सुन जितने बर्तन हो उतने। अब इसने अपने बच्चों को एक मिनिस्ट्री दे दी, बोला जाओ जीतर जीतर बर्तन मिलते सब लेकर आओ। इसके बच्चे पूरी एरिया में जाके सारे बर्तन निकाल के लेकर आए, और ये बहन जानते क्या कर रही थी, ऑयल। लिसन, एक सिस्टर को ये सेवकाई दी गई ऑयल उंडेल, बच्चों को सेवकाई दी थी बर्तनों को ले आओ। और लास्ट में जब ऐसा हुआ सारे बर्तन आ गए और एलिशा ने कहा हो गया, हाँ हो गया, सब हो गया, हाँ सब हो गया, बर्तन तो भर चुके होंगे ना, हाँ सब भर चुके हैं, और नहीं है, नहीं और नहीं है, ठीक है अब एक काम कर, जितने भी बर्तन में तूने उंडेला है ना वो सब भर चुके हैं, ये ऑयल को बेच और अपना तरण चुका। कितने लोग पवित्र आत्मा को देख पा रहे हैं, खुदा के पास देने के लिए बहुत कुछ है, बर्तन नहीं है। उसका बर्तन मॉल में फोटो खिंचवा रहा है,
ऑयल खत्म नहीं हुआ मेरी बहन, बर्तन खत्म हो गए। गॉड हैव अ होली स्पिरिट। स्त्री को ये सेवकाई दी गई। आप इससे कितने लोगों के बात जानते हैं, 15 अध्याय लूका में 3 दृष्टांत हैं। एक औरत सिक्का ढूंढ रही है, एक चरवाहा बेड ढूंढ रहा है, और एक बाप अपने बेटे को वेट कर रहा है। दे आर सीकिंग समवन। चरवाहा जीसस है, बाप परमेश्वर पिता है, स्त्री कौन है? होली स्पिरिट। ये सेवकाई किसे दी गई? एक स्त्री को। उसके पास ऑयल है, बर्तन नहीं है। आज जानते हो परमेश्वर के पास बहुत कुछ है देने के लिए। इवन जीसस ने अपना पहला मिरेकल क्या किया? मटकों को भरा। कितने मटके थे? 6। किसके बने हुए थे? मट्टी के। परमेश्वर ने मनुष्य को मट्टी से छठवें दिन बनाया था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको पता है परमेश्वर आप में से बहुतों को उतना क्यों नहीं भर पाता जितना वो आपसे भरना चाहता है? उसका मुख्य कारण है आप अवेलेबल नहीं हो। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, ये बेचारे बुरे नहीं हैं, ये खुदा के साथ बैठते हैं, लेकिन ये मेंटली खुदा के साथ नहीं होते, इनका ध्यान कहीं और रहता है। मैं सोच रहा था एलिशा जानते उसको क्या बोलता है, और बर्तन नहीं है क्या? बोलती है नहीं है। ठीक है, काम करो, कर्जा चुकाओ, जाओ बेचो। मैं कह रहा था प्रभु अगर और बर्तन होते ये और देता, ये और देता, पर बर्तन खत्म हो गए, ऑयल रुक गया। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? प्रेरितों के काम एक ऐसी किताब है जिसके 28 अध्याय हैं, और जानते हो इस 28वें अध्याय के पूरे होने के बाद वहां आमीन वर्ड नहीं है। आप पत्रियां पढ़ के देखो, बार बार पौलुस लास्ट में कहता है आमीन, 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 जैसा ही होगा। पर प्रेरितों के काम एक ऐसी किताब है जिसके अंत में आमीन नहीं है, क्योंकि यह किताब यहां पूरी नहीं होती, ये काम चालू है। परमेश्वर चाहता है जैसे चेलों को मिला वैसे वो आपको भी दे, पर आप अवेलेबल नहीं हो। बहुत लोग खुदा के सामने अवेलेबल नहीं है। आज टूटा हुआ मटका है बहुत लोग, इतने लीकेजेस हैं। खुदा कुछ लोगों को चर्च में लेके आता है, उन्हें आत्मा से भरता है, यहां से निकलते निकलते दूसरों की बुराइयां करते हैं, और पता भी नहीं चलता अनॉइंटिंग जो पाई निकल भी गई। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप उस अभिषेक को जो परमेश्वर आपको देता है क्या आप उसे संभालते हो? अरे ये ऐसी चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस बात में आया, पहले मरियम के ऊपर अनॉइंटिंग आई थी, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तुझ पे छाया करेगी और पुत्र जनेगी तू। खुदा ने सबसे पहले उसे भरपूर किया, उस भरपूरी में उसके अंदर फिजिकली जीसस आया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दो चीजें करो, आपका जीवन बदल जाएगा। कई लोग मुझे कहते हैं ब्रदर आपका प्रचार बहुत डिफरेंट होता है। जानते हो क्यों डिफरेंट होता है? फॉर वन रीजन, मैं अपने कार्य को महिमा नहीं दे रहा हूं, मैं वो प्रिंसिपल बता रहा हूं जो मसीहत में है। मैं कीमत चुकाता हूं। क्या कहा प्रभु ने? 10 कुंवारियां थी, 5 मूर्ख, 5 समझदार। जब बुद्धिमानों के पास ऑयल था और उनके पास भी था, आप जानते हो जब इनका खत्म हुआ और उनके पास जाके कहती है हमें भी दो, तो जानते हो 5 क्या कहती है? जाओ मोल ले लो, गो एंड परचेस। उद्धार मुफ्त में है, पापों की क्षमा मुफ्त में है, पर कुछ लोगों के लिए कीमत है। कुछ नहीं होगा अगर आप इस चीज को नहीं पाएंगे तो। ये चीज सिर्फ ऐसे नहीं मिलती, ये चीज ऐसे मिलती है। ये चीज सिर्फ ऐसे नहीं मिलती कि बस हाथ रख दो। यस, देयर इज इंपार्टेशन, मैं मानता हूं। पतरस ने चेलों पे हाथ रखा,
वे पवित्र आत्मा से भर गए, बाइबल बताती है। लेकिन याद रखिए, ये चीज घुटनों पर मिलती है। एक परमेश्वर के जन ने कहा, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। क्यों? कभी आपने सोचा है कितने सालों से हम में से कुछ लोग एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं? हर 3-4 दिन में टेंपर खो देते, बच्चों को चिल्ला देते, घर पे चिल्ला देते, कंप्लेंट्स लेके घूमते हैं। कभी आपने सोचा हम में से कुछ लोग का लाइव कंप्लेन बॉक्स क्यों है? क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के सामने सिर्फ पाप का अंगीकार के चले आते हैं, लेकिन हम वहां बैठते नहीं है कि हमें भर। बाइबल नहीं कहती है जो सिर्फ बोल के चले आते हैं, वे जो इंतजार करते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं, वे अकाबों की तरह उड़ते हैं। पे द प्राइस। परमेश्वर को समय दीजिए और सुनिए अब जो मैं कह रहा हूं। प्रभु के साथ जब आप बैठे हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु के उठने, प्रभु के साथ बैठने के बाद जब आप उठते हो तब आप क्या करते हो, यह उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने खुदा को थोड़ा समय दिया, बात कर ली, कभी मन हुआ कभी नहीं हुआ, ऐसा चलता ही नहीं। ये मूड जो है ना आपका, ये मूड, इसको, इस मूड को थोड़ा कंट्रोल में रखो। आज मेरा मन नहीं था, आज मेरा मन नहीं था। आपको बोला किसने मन के अनुसार चलने में? द बाइबल से लिव इन द स्पिरिट, आत्मा में चलो। अदरवाइज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके लाइफ में है ना, ये अनुभव आपको मिलते रहेंगे। कभी आप सारा को देखिए, कभी वो बीवी कहता था, कभी वो बहन कहता था, कभी शिमशोन देखो शेर फाड़ता था, कभी, सॉरी मैं ये वर्ड कह रहा हूं, गोद में था, और दाऊद को देखो कभी क्या करता था और कभी क्या करता था। कभी आपने देखा इतने कॉन्स्टेंट अप डाउन क्यों आए इनके लाइफ में? क्यों? क्योंकि खुदा ने इन्हें पाकरू नहीं दिया था, इन्हें खुदा ने पवित्र आत्मा रीजन टू सीजन दिया था। किसी कारण से कुछ समय तक ये इनको दिया गया था। पर आप में से कितने लोगों ने मुझे बताइए, उद्धार पाने के बाद पौलुस को देखा पाप में गिरते हुए, पतरस को देखा, क्यों ये नहीं गिरे? अंदर मिला, खुदा ने इन्हें अंदर दिया, इसीलिए उन्होंने। इवन आपको पता है न्यू टेस्टामेंट का स्टैंडर्ड क्या है? कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, यीशु ने एक स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी उसे माफ करके क्या कहा? जी अंकल जी, फिर पाप मत करना। पॉसिबल है? पॉसिबल है? क्यों? यीशु ने कहा फिर पाप मत करना। मैं बोल रहा था प्रभु ये मजाक है क्या, फिर पाप मत करना कैसे होगा? अरे मैं खुद रहने आ रहा हूं अंदर, कैसे नहीं होगा? ये हो सकता है। सोलह साल हुए मुंह से गाली नहीं निकली आज प्रभु में आने के बाद। सिर्फ थिएटर में एक ही बार गया था, क्रैमस्टन मूवी देखने, भाइयों के साथ गया था, वो भी अकेला नहीं गया था। हमारे उल्लासनगर जहां मैं रहता हूं ना, वहां पर बहुत सारे लोग मूवीज देखते हैं, फिर डर भी रहता है पास्टर ने मिल जाए तो फिर क्या करते, डोंबिवली जाके देख लेते। और कोई विश्वासी मिल जाता है तो उसको बोलते हैं, यार तू भी मत बोलना मैं भी नहीं बोलूंगा, एक पाखंडी दूसरे पाखंडी को समझाता है। आपको पता है मसी लोग मूवीज पे जाते हैं आज भी। एक भाई मुझे मिला, वो मुझे कबीर सिंह की स्टोरी बता रहा था, अरे क्या पिक्चर है। मैंने बोला जा बेवड़ा बन तू भी, जा पी जाके तू भी, क्या टीच किया इन्होंने तुझे, क्या टीच किया? यही ब्रेकअप हो जाए तो ये सब कर। आज भी मैं आप में से बहुतों को पूछूंगा ना, हेरा फेरी पिक्चर में कौन कौन थे, आप में से सब उसका कैरेक्टर बताएंगे। लेकिन मैं यहीं पर कहूं मती 7-8 में क्या लिखा है, तू याद करना तू पास्टर है। वाह भाई वाह। बंद करने से पहले
मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, ये व्यक्ति जिसने ये लाइन कही, ये उन प्रचारकों में नहीं था जो एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता था ताकि लास्ट में कुछ पैसे बच जाए। ही इज अ मैन हु वॉक विद गॉड, ये एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चलता है। और जानते हो उस बंदे ने क्या कहा? His name is Paul Washer. He said, उसने कहा, हम एक ऐसी मसीहत में जी रहे हैं जहां पर हमें यह सिखाया गया है कि प्रभु के पीछे चलने के लिए सब कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है। जबकि यीशु ने कहा, जब तक तुम सब कुछ त्याग न लो तो मेरे चेले नहीं बन सकते। सब कुछ ब्रदर, क्या प्रभु हमें अपने परिवार से अलग होने के लिए कह रहा है, बिजनेस बंद करने के लिए? नो, वो आपको ये कह रहा है, अगर तेरा पैसा, तेरा इनकम लेवल नीचे आएगा, तेरे को लोग धोखा देंगे, तुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुझे फर्क एक ही जगह पे पड़ना चाहिए, जब तू मेरे खिलाफ कुछ करे। और आज उल्टा है, चीजें जाती हैं तो परेशान हो जाते हैं, परमेश्वर को दुखी करके रखा है, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो कोई अपना मां, अपना बाप, अपना भाई, अपना परिवार, यीशु ने कहा, जब तक वो अपने आप को अप्रिय न जाने। चलो एक बात पूछना चाहता हूं, सब यहां देखिए, कितने लोगों ने इस व्यक्ति का नाम सुना है? लेवी, याकूब का आठवां बेटा है ये। आप जानते हो ये इतना मजेदार है कि आप हैरान हो जाओगे, बाइबल में इनकी एक अलग से किताब है, लेवी व्यवस्था, लेवियों की व्यवस्था। आप जानते हो ये लोग क्या करते थे? ये सदैव परमेश्वर के तंबू को उठाते थे। बाइबल में साफ लिखा गया है, मेरे तंबू को कोई टच ना करे। अच्छे इंटेंशंस के साथ, जब उजा ने भी परमेश्वर के फर्नीचर को टच किया, वो मर गया था। परमेश्वर ने कदापि यह बर्दाश्त नहीं किया कि मेरा फर्नीचर लेवियों के कोई उठाएगा। पर कभी आपको यह बात पता चली लेवियों को सेवकाई क्यों मिली? क्या टॉस हुआ था और लेवी टॉस जीते थे? क्या परमेश्वर ने अपनी तानाशाही की थी कि नहीं मैं लेवियों को ही दूंगा? आपको पता है उन्होंने क्या किया था? जब मूसा परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को लेने पहाड़ पे गया, तब जब वो नीचे उतरा, तब उसने क्या देखा कि लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे, एक बछड़े की पूजा कर रहे थे। और मूसा ने उन्हें कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो व्यभिचार है, निकलो वहां से। आप जानते हो जो पहले लोग भाग कर आए वो लेवी है। और जानते हो जो लोग यहां पर आए उनको क्या आज्ञा दी गई? उस तरफ जो खड़े उन्हें मार डालो। किसी की मां खड़ी थी, किसी की बीवी खड़ी थी, किसी की बहन खड़ी थी वहां, और वो लोग गए, उन्होंने किया। परमेश्वर ने कहा, ये वो लोग हैं, इन्हें सेवकाई मिलनी चाहिए। अब नए नियम में परमेश्वर ये तो नहीं चाहता हमसे, और ना ही परमेश्वर पुराने नियम में ये सारी बातें चाहता था। अब जानते हो परमेश्वर क्या चाहता है? आप अपने जीवन में सबसे उत्तम परमेश्वर को दो, तब ही तुम मेरे चेले बन सकते हो। और ये कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ पवित्र आत्मा कर सकता है। मैंने इस टाइम पे होमवर्क दिया था लास्ट वीक, आई डोंट नो कितने लोगों ने किया, याकूब 3 अध्याय। क्या आपने 3 अध्याय में क्वेश्चन पढ़ा? कौन जुबान को वश में कर सकता है? मनुष्यों में से तो कोई नहीं। यू नो बाइबल बताती है, कोई अपनी टंग को कंट्रोल में नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही है जो कर सकता है, पवित्र आत्मा। उससे सहभाग्यता रखो, उससे भर के जीवन जियो। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, आपके जीवन में अप डाउन, डाउन अप, डाउन डाउन अप, सब चलता रहेगा। आप बाइबल छुपा के चर्च में आओगे? यू नो मैं कई साल बाइबल को छुपाता था। एक बार मेरे मामा जी आ रहे थे सामने से, मैं चर्च जा रहा था, मैं नया नया था, तो मुझे बहुत लोगों ने कहा, अरे क्रिश्चियन हो गया रे, धर्म बदल दिया है, पैसे मिले हैं इसको। तो मैं, सवाल था मेरे अंदर, मैंने बोला, ये बोलते पैसा मिला, उधर तो थैली घूमती है, डालना पड़ता है। मैं सोच रहा था, ये बोलते मिला, हम तो देके आते हैं उल्टा।
वो पास्टर तो इतने बच्चे को बेचता है, छोटा वाला एक पास्टर बच्चे को थैली तरह, इतनी लंबी थैली कहां बेड़ो पहुंचता था बच्चा। ये हमारे चर्च में एक बच्चा होता था ऑफरिंग लेता था, इतना बड़ा डंडा होता था, थैली होती थी, सामने खड़ा होता था, अंकल पैसा दो। मैं उसको बोलता था जाना नहीं है मेरे पास। एक दिन मेरे मामा जी सामने से आ रहे थे, उन्होंने बोला अरे अब उनको क्या पता, वो नए बेचारे, उनको क्या पता हमें धर्म नहीं, हमें खुदा मिला था। आप जानते जब वो सामने से आ रहे थे, मैंने से छुपा दिया भाई, तो मेरे जाते जाते बोले हाँ जा जा तू तो उनका ही हो गया जा। लेकिन जब मैं पवित्र आत्मा से भरा, उसी सेम व्यक्ति से जानते मैंने क्या किया। एक दिन वो सामने से आ रहे थे, वो कभी कभी अच्छी ब्रेकफास्ट लेके हमारे हमारे घर पे देके जाते थे, उनको अच्छा लगता था देना। एक दिन वो सामने से आ रहे थे, मेरी बाइबल ऐसी थी तो मैंने ऐसे कर दी। उन्होंने कहा ये क्या है, मैंने कहा आज रविवार है, मैं अपने परमेश्वर को आदर देने जा रहा हूं, आई एम ऑनरिंग माई गॉड। कभी ये चीज देखी आपने, वही तीन बार इनकार करने वाला व्यक्ति इसराइलियों के सामने खड़े होकर कहता है तुमने उसे मारा है, मैं गवाह हूं, आई एम अ विटनेस। हिंदी में बहुत सुंदर लिखा है तुमने जीवन के कर्ता को मारा है, मैं उसका गवाह हूं। इंग्लिश में लिखा है यू किल द प्रिंस ऑफ लाइफ, मैं उसका विटनेस हूं। डरपोक पतरस अचानक कैसे इतना मजबूत हो गया, जानते हो क्यों? पवित्र आत्मा से भर गया। पवित्र आत्मा से भरने का मतलब होता है परमेश्वर से भर जाना, गॉड हिमसेल्फ। जैसा परमेश्वर अंदर से है वैसे इंसान अंदर से। यू नो जब परमेश्वर को भर देता है इसका अर्थ क्या है? जैसा खुदा खुद अंदर से है वैसे भाई तू अंदर से है। खुदा हारा हुआ नहीं है, खुदा डिस्करेज नहीं है, खुदा कंफ्यूज नहीं है, खुदा ग्लूमी नहीं है। सेम यू। इसलिए यीशु ने कहा जैसे पिता ने अपना जीवन मुझ में दिया है वैसे ही वो जीवन मैं तुम्हें देता हूं। लाइफ। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। कितने लोग कुछ समझे? एक ऐसा विषय है, आप बिलीव करो मैं सवेरे 8 बजे तक बोल सकता हूं। मैंने इस विषय के ऊपर 6 घंटा प्रचार किया था एक बार पंजाब में, क्योंकि मुझे पता है ये कितना जरूरी है। मैंने अपने लाइफ में सबसे ज्यादा इसी चीज पे ध्यान दिया है कि मैं कितना भरा हुआ हूं। मैं आपको सच कहता हूं, अगर मैं ऐसे भरा हुआ नहीं रहता, ट्रस्ट मी मैं ये सेविकाई बंद कर देता। मैं फ्रस्ट्रेट होके भाइयों को बोलता जाओ अपने अपने घर में खुश रहो, मुझसे नहीं होता ये सब। एक तो करो, ऊपर से कोई इज्जत नहीं है। मैं ऐसे वर्ड्स यूज करता। आज भी बहुत पास्टर्स फ्रस्ट्रेट हैं, आपको पता है? मुझे पता नहीं कितनी बार मीटिंग के अंदर प्रभु ने ऐसे लोगों को दिखाया जो अपनी सेविकाई बंद करने वाले थे, और प्रभु ने मुझे कहा जा इनसे बात कर। आज के कलीसिया के पास सब है, नॉलेज, थियोलॉजी, किताबें, लाइब्रेरी, गुस्सा भी है, घमंड भी है, ये सिर्फ यूज करते हैं बस फेमस होने के लिए। खुदा का नाम ऊंचा है नहीं है, अरे मेरा फ्लायर बना, मैं फेसबुक पे आया, मेरे को व्यूज मिले। नहीं चाहिए खुदा को यह सेविकाई। दे आर यूजिंग गॉड फॉर माइक। ब्रदर यूज योर माइक फॉर गॉड। खुदा ने तुम्हें यहां पर इसलिए नहीं खड़ा किया है कि तुम सिर्फ ये दिखाओ तुम कितने घंटे दुआ करते हो, तुम्हें कितने फॉलोवर्स हैं। तुम यीशु को उठा सकते हो, तुम यीशु को ऊंचा कर सकते हो। अरे वह कलीसिया आशीषित कलीसिया होती है जिसमें यीशु को उठाया जाता है। यीशु ने कहा जब मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा तब सबको अपनी तरफ खींच लूंगा। आप चाहते हो कलीसिया को खुदा खींचे, उसे ऊंचा उठाओ, लोग आशीषित होंगे। They will be blessed.